हेलो दोस्तों, दिस इज़ माय फर्स्ट दिवाली स्टैश। होप आपको ये पसंद आएगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये मेरा पहला बॉक्स है जो मैं अभी ओपन करने जा रहा हूँ। तो बेसिकली ये कॉक ब्रांड का है जो मैंने cockbrand.in वेबसाइट से ऑनलाइन में ऑर्डर मंगवाया है। एंड इसका प्राइस आपको मैं जल्दी बताऊंगा, तो पहले इसको खोलते हैं। तो ये डिब्बा आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से पैक किया हुआ है। एंड बेसिकली आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऑनलाइन जो ऑर्डर्स आते हैं वो तमिलनाडु या फिर शिवकाशी से ही आते हैं। एंड हम लोगों को ऑनलाइन फैसिलिटी नॉर्थ साइड में अवेलेबल नहीं होती ज़्यादातर, तो मैंने सोचा कि बेसिकली मैं साउथ साइड का रहने वाला हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ऑनलाइन में ऑर्डर करके मंगवा लूँ एंड देखूँ कि कैसे रहते हैं क्रैकर्स। तो ये है दोस्तों, हम इधर आ गए। तो ये फ्लावर पॉट डिलक्स बॉक्स के नाम पे है, बट बेसिकली इसमें एक बंच ऑफ क्रैकर्स सेट है। तो पहले इसको मैं जमा लेता हूँ। तो वीडियो निकालने में मेरे को थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि मैं अकेला मैनेज कर रहा हूँ। स्टैंड वैंड कुछ अभी मैंने मंगवाया नहीं है, तो आगे के वीडियोस में आपको अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए आप देखिए कि एग्जैक्टली कैसे बनता है मेरा वीडियो। तो फाइनली हम आ गए दोस्तों। तो आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने डिब्बा खोल दिया है एंड ये पूरा कॉक ब्रांड का क्रैकर से भरा हुआ है। तो धीरे धीरे एक एक करते हुए मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या है इसमें। तो पहला गोल्डन विल्लो है, सॉरी गोल्डन स्ट्रॉबेरी। तो ये रेड कलर का है। तो ये बेसिकली ये फाउंटेन है, मतलब स्काई शॉट है, जिसमें मतलब लगभग 3 पीसेस रहेंगे। एंड इसका प्राइस आपको पड़ जाएगा, एक सेकेंड, हाँ तो इसका प्राइस है MRP 405। बेसिकली मेरे को शायद ये मिला हुआ है लगभग तो 200 के करीब। तो मैं जो प्राइस लिस्ट इस बॉक्स की पूरे क्रैकर्स की है मैं आपको अंत में बता दूंगा, एंड वीडियो के एंड में मैं आपको एक लिस्ट बना दू के दिखा दूंगा। तो हाँ, एंड आप देख सकते हैं दोस्तों, ये क्रैकर्स पूरे फ्रेशली पैक्ड है। अभी आपको 418 दिख रहा होगा पैकेट, तो ये पूरे मतलब फ्रेशली पैक्ड है, मतलब इसी साल के। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कोई क्रैकर फटने से या फिर ऐसा कुछ मतलब फंक्शनलिटी ठीक नहीं होगी। तो आगे आता है स्काई विजल। बेसिकली दोस्तों, मेरे को रैकेट्स इतने पसंद नहीं आते, बट मैं खाली विजल रैकेट्स का शौकीन हूँ, तो मैंने सोचा कि खाली विजल रैकेट्स मंगवा लूँ। तो ये बहुत अच्छे होते हैं रैकेट्स एंड बहुत धमाकेदार साउंड करते हैं। कॉक ब्रांड में एक और भी विजल रॉकेट बोल के आता है जो कि 250 का लगभग होता है बॉक्स, बट उसकी फंक्शनैलिटी इतनी अच्छी नहीं लगती मेरे को एंड इसकी आवाज़ भी बहुत कमज़ोर होती है कंपेरेटिवली दिस। तो जल्द ही दिवाली के बाद जैसे ही मैं इन सबको टेस्ट करूंगा या फिर जलाऊंगा, तो आप सबको दिखाऊंगा कि ये आवाज़ कैसे होता है। इसका MRP देख सकते हो 196, तो मेरे को शायद 130 में मिला। बेसिकली दोस्तों, एक और बात बताऊं आपसे, तो मैं प्राइजेस जो खरीदा हूँ जो भी मतलब ऑनलाइन में, तो मेरे को इतना सस्ते तो नहीं पड़े, बट हाँ अच्छे क्वालिटी के मिलते हैं। एंड बेसिकली ऑनलाइन है दोस्तों, ऑब्वियसली आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इससे ज़्यादा। एंड 30 सेंटीमीटर्स, कलर स्पार्कल्स, प्राइस ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, मे बी 246 समथिंग। एंड इसी को इस ये भी मेरे को कुछ लगभग 150 के करीब मिला। तो सब आपको धीरे धीरे देखने मिल जाएगा। तो ये रेड फ्लेयर है, एंड तो ये रेड फ्लेयर पेंसिल्स है बेसिकली 30 सेंटीमीटर्स के पेंसिल्स। ये बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को, तो इस बार मैंने इस ये पेंसिल्स मंगवाए ताकि मतलब बच्चे जला के अच्छे से खुश हो। एंड ये 330 का बॉक्स है MRP, मैं खाली आपको MRP दिखा रहा हूँ। तो ये फ्लावर पॉट्स है,
बिग साइज़ बोला गया है, बिग साइज़, बट मेरे को लग रहा है कि ये नॉर्मल स्टार्टिंग साइज है फ्लावर पॉट्स का, तो हाँ ये रहा बिग साइज़। तो कंपेरेटिवली आप देख सकते हो दोस्तों, इसका एंड इसका साइज़ तो लगभग इसमें आधा पार्ट है। एंड एक काम करते हैं दोस्तों, एक एक दिखाने से बेटर होगा शायद मैं एक ही बार सबका अनबॉक्सिंग कर दूं, एंड साथ ही साथ आपको उसका प्रोडक्ट का व्यू दिखा दूं, ताकि आपको भी अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली। तो ये मेरा रहा गोल्डन स्ट्रॉबेरी, तो ये रहा मेरा गोल्डन स्ट्रॉबेरी, तो इसको मैं अभी फाड़ता हूँ। तो इधर ये रहा इसका स्टैंड, एंड ये रहा मेरा स्काई शॉट। तो लगभग ये 2 इंच का शेल या फिर 1.5 इंच का शेल होता है दोस्तों, तो मेरे को ठीक से आइडिया नहीं है। एंड ये थोड़ा बढ़िया रहता है, आई मीन जब फटता है ये बहुत अच्छे से व्यू दिखता है। जैसे कि मैंने कहा था, मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में इसको वॉच किया हुआ है, तभी मैंने इसको ऑप्ट किया हुआ है। हो गया अब आते हैं डीलक्स फ्लावर पॉट्स के पास। तो ये डिब्बा ऑलरेडी खुला हुआ था, तो हमारे लिए बेहतर था। तो ये लगभग मेरे उंगली जितना साइज का है, जैसे आप देख सकते हो। एंड हाँ, ये टोटली ग्रीन कलर का होता है, पता नहीं बेस में अगर ग्रीन होके नॉर्मल गोल्डन कलर में पूरा रोशनी देगा या फिर पूरा का पूरा ग्रीन होगा, तो ये तो जलाने के बाद पता चलेगा। एंड ये टोटल 10 पीस है, तो बंद बाद में कर लेंगे हम। ये आ गया हमारा स्काई विजल, ये छुरी मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो मैं साइड में रख देता हूँ इसको। तो स्काई विजल दोस्तों बेसिकली स्मॉल शेल और कुछ नहीं ज़्यादा, तो आप देख सकते हो। एंड ये छोटे साइज के ही होते हैं लगभग, तो इसमें मैंने मिनी विजल भी मंगाया हुआ है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। शायद मेरे डिब्बे के अंदर है वो स्काई विजल मिनी। तो अगला हमारा आता है फ्लावर पॉट्स बिग, जो कि मैंने अभी इससे पहले आपको दिखाया था। तो ये फ्लावर पॉट्स छोटे साइज के हैं कंपैरेटिवली जो ग्रीन दिखाए थे मैंने आपको उससे। तो इसको साइड में रख लेते हैं। तो बात आती है हमारे स्पार्कल्स की, तो आपको मे बी ज़रूरत नहीं होगी इनको दिखाने की, बट एनीवेज मैं खाली आपको एक दिखा देता हूँ साइज की, इसका कितना होता है। 30 सेंटीमीटर्स है। एंड कलर्ड स्पार्कल्स इन द सेंस जो चटर पटर करती है वो वाली आवाज़ की है ये, होप सो, श्योर नहीं हूँ मैं। हाँ दोस्तों, ये चटर पटर वाली है, जैसे नॉर्मली प्लेन वाली आती है, आपको जहाँ तक आइडिया होगा। ये प्लेन नहीं है, ये ना चटर पटर करने वाली है, जो थोड़ा बहुत आवाज करती है। तो हम इसको साइड में रख लेते हैं। अब आते हैं हमारे पेंसिल्स। तो पेंसिल्स के लिए मेरे को छुरी की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा इधर टेप लगा हुआ है। तो ये रहे हमारे पेंसिल्स। एंड सच बोल रहा हूँ दोस्तों, ये पेंसिल्स बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को। पिछले साल भी मैंने ये मंगवाए थे, ये पेंसिल्स ग्रीन कलर के, एंड मे बी ग्रीन, हाँ रेड फ्लेयर एंड ग्रीन फ्लेयर में भी, तो बहुत अच्छे लगे थे मेरे को। 30 सेंटीमीटर्स के रेड फ्लेयर। तो अब आगे बढ़ते हैं, हमारे बॉक्स में क्या क्या है उनके हिसाब से। तो अब आता है मेरा सबसे फेवरेट आइटम दोस्तों, विजलिंग व्हील्स। ये विजलिंग व्हील्स बहुत बढ़िया होता है, लिटरली बोल रहा हूँ दोस्तों, सच मानो बहुत बढ़िया होता है।
एंड बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैंने सजेस्ट भी किया हुआ था कि विजलिंग व्हील्स एक बार जलाओ, बहुत अच्छा होता है ये वो, एंड इनकी वीडियोस भी बनी हुई थी तो मैंने देखा हुआ था वो। एंड इनकी पैकिंग इसलिए ऐसे आती है कवर में क्योंकि ना इसमें हवा ज़्यादा घुसनी नहीं होती है, एंड ये पैक्ड होने चाहिए, एंड आफ्टर अनपैकिंग इसको फट से कंजम्पशन कर देना बेटर होगा। माना ये है कि मतलब नॉर्मल चक्री जैसे मतलब हम रखते हैं उसको, अगर वैसे रखते हैं तो उसमें हवा बैठ जाती है, एंड विजलिंग का होने से अगर बारूद थम जाता है, आई मीन फ्रीज हो जाता है, तो ये विजल विजल नहीं रहेगी, फट जाएगी। तो मैंने इस पे थोड़ा बहुत अभी गूगल किया हुआ था कि विजलिंग क्रैकर्स क्या एंड क्यों कैसे बनते हैं एंड ऑल। तो ये 2 डिब्बे हैं तो मेरे को ये पसंद है ऑब्वियसली, जैसे मैं आपको बोला मैंने, तो मैंने ये शायद लगभग 4 डिब्बे मंगवाए हैं। आखिरी डिब्बा मेरे को दिख नहीं रहा, तो या दिख रहा, तो 1 2 3 4, तो 4 डिब्बे मैंने मंगवाए हैं। एंड इसकी MRP अगर हम देखेंगे तो देख सकते हो दोस्तों, आपको 280 है, बट मेरे को ये 103 में या फिर 104 में मिला। एंड अब आता है कॉक का स्पेशल आइटम, स्पेशल इन द सेंस ये बहुत ज़्यादा खरीदते हैं लोग, पेंटा स्काई फ्लैश। तो चलो इसको फटफट से खोल देते हैं। अनपैकिंग करते समय कवर की जो आवाज़ निकलती है ये मेरे को बहुत पसंद आती है, होप सो कि आपको भी पसंद आती होगी, क्योंकि क्रैकर्स के शौकीन को तो पक्का पसंद आती है क्योंकि उसी को तो हम अनबॉक्स करते हैं। एंड हाँ, पेंटा स्काई फ्लैश, तो ये पूरे 5 वेराइटी होते हैं। इस कॉक ब्रांड में एक और भी आता है टॉप 10 फ्लैश बोल के, वो इतना बढ़िया नहीं रहता, आई मीन ऑलमोस्ट सेम कलर्स होते हैं बट 10 मिल जाएंगे पीसेस, बट ये जो पेंटा स्काई फ्लैश होता है इसमें 5 पीस होते हैं, बट 5 की एक एक वेराइटी होती है। जैसे आप देख सकते हो ये पाम इफेक्ट है, एंड ये ग्रीन है, एंड ये रेड है। तो ग्रीन एंड रेड तो हो गया दोनों सेम, बट कलर डिफरेंस। वेराइटी की बारी आती है तो पाम आता है, एंड आप देख सकते हो ये एक जैस्मिन होगा मे बी, या जैस्मिन है, एंड ये होगा गोल्ड। तो सबकी एक एक वेराइटी होती है अपने में, तो मैं आपको सब दिखाऊंगा आफ्टर टेस्टिंग एंड दिवाली पे जलाने के बाद। तो हम डिब्बे को मोड़ लेते हैं ताकि हमको लेने में आसानी हो जाए। सही बात है। तो अब हम देखते हैं दोस्तों कि क्या है ग्राउंड चक्कर्स। सो बेसिकली कॉक में 2 तरह के चक्कर्स आते हैं, जो नॉर्मल चलते हैं, आई मीन जो गोल्डन शार्क छोड़ते हैं, विजिल इन सबको बाजू में रखेंगे तो वो होते हैं ये जो 45 सेंटीमीटर के होते हैं, एंड दूसरा होता है 70 सेंटीमीटर वाला। तो अनलकीली मेरे को इस बार 70 सेंटीमीटर वाला नहीं मिला दोस्तों, जो कि बहुत बढ़िया चलता है एंड बहुत देर चलता है। ये देख सकते हो आप 45 सेंटीमीटर का है, ये भी कुछ कम नहीं है, बढ़िया चलता है। एंड प्राइस अगर आपको जाननी है तो वैसे भी मतलब ज़रूरत नहीं होगी, कैसे भी मैं आपको लिस्ट दे दूंगा लास्ट में। 253 पड़ी होगी, 150 की कुछ। एंड अब आता है कुछ आवाज़ वाला, जैसे कि मैंने बताया मेरे को विजलिंग चीज़ें बहुत पसंद आती है, एंड मैं उनके लिए ढूंढा रहता हूँ, जैसे विजलिंग रॉकेट, विजलिंग चक्कर्स, तो ये भी एक विजलिंग आइटम है, मिनी सायरन। एंड अनलकीली मेरे को बड़ा सायरन नहीं मिला, कॉक में 2 तरह के सायरन आते हैं, बड़ा एंड छोटा, तो ये मिनी सायरन है। एंड जैसे कि आपको पता है कि ऑनलाइन के पटाखों की दिक्कत होने हो रही थी, एंड बहुत ज़्यादा तादाद में क्या बोलते हैं पटाखे बंद हो जा रहे थे, तो फटफट से जो मेरे को मिला स्टॉक मैंने खरीद लिया दोस्तों। तो वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत हो रही है मेरे को, स्टैंड एक खरीद लेना। अगर आपको कुछ आइडिया है दोस्तों कि मतलब किस तरह से मैं वीडियो बनाऊं, या फिर कुछ सजेशंस अगर देना चाहते हो आप तो मेरे को प्लीज़ दे दो, क्योंकि आप देख रहे हो मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है एक हाथ से कैमरा पकड़ने में और एक हाथ से ये अनपैक करने में।
स्टैंड का कुछ सहारा लूँ या फिर कैसे? तो आप मेरे को अगर कमेंट्स में बताना चाहते हो तो बता दो। मिनी सायरन, ये मिनी सायरन है एंड ये अनार की तरह चलता है एंड बाद में आपको विजिलिंग इफेक्ट देगा। तो इसका ये रहा। एंड इसको स्टैंड ज़रूरी बनता है दोस्तों, क्योंकि जब जलाते हैं इसको, जैसे ही फाउंटेन ये फटता है, फटने का माना होता है जैसे ही फाउंटेन निकलता है फवारा, तो वो एक फोर्स के साथ निकलता है, एग्जैक्ट फोर्स के साथ। जब फोर्स के साथ निकलता है तो चांसेस हो सकते हैं कि आप नीचे भी गिरा दो इसको, तो उसके लिए स्टैंड देते हैं। तो ये रहा कॉक का सबसे बड़ा अनार। तो सबसे बड़ा नहीं बोलूँगा इसको मैं, कॉक में सबसे बड़ा है, बट इससे बड़े अनार भी है दोस्तों अलग ब्रांड्स में। तो मैं बताऊंगा आपको बाद में कि वो कौन सा ब्रांड है या फिर क्या है, बट कॉक में तो सबसे बड़ा यही है। इसके अलावा एक और ग्रीन उन्होंने नई आइटम छोड़ी हुई है इसी साल में भी, क्योंकि लास्ट साल मैं जब देख रहा था तो मेरे को नहीं मिली थी वो। तो आप देख सकते हो इसका साइज लगभग मेरे हाथ जितना, हाथ तो दूर की बात है दोस्तों, मेरा हाथ एक्सीड कर रहा है ये। तो आप देख सकते हो इसका साइज, तो कॉक का सबसे बड़ा होता है एंड ये मैक्स 40 सेकेंड्स के आसपास चलता है एंड बहुत हाइट होती है इसकी, बहुत ऊंचा तक ये जाता है, तो बहुत बढ़िया होता है देखने में एंड कलर्स भी निकलते हैं इसमें से। सो सबसे स्पेशल बात होती है कि वो कलर्स निकलते हैं। तो हम ऑलमोस्ट ख़त्म करने आ गए दोस्तों, शायद मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया आपका वीडियो में, बट दिखाना तो बनता है आपको हर चीज़ की क्या है क्या नहीं है। अब आता है हमारा सायरन टॉर्च। हाँ दोस्तों, पेंसिल्स भी सायरन के आते हैं, माना विजिल। तो जैसे विजिल चक्कर, विजिल रॉकेट, वैसे विजिल वाली पेंसिल ये बहुत बढ़िया रहती है। इसका टाइम बहुत कम होता है, लगभग 6 सेकंड या 7 सेकंड की होती है, बस ख़त्म हो जाती है, बट बढ़िया होता है। जैसे कि आप देख सकते हो, आपको रॉकेट मैंने दिखाया था, आपको पेंसिल दिखा रहा हूँ, चक्कर भी दिखा रहा हूँ, तो सेम चीज़ फॉलो कर रहा है। पेंसिल को आप उसको कवर में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट ये कवर में रखा हुआ है। रॉकेट भी ज़्यादातर खुले रखते हैं, बट विजलिंग रॉकेट अलग से कवर में रखते हैं। तो ये कवर का फंडो जो मैंने बताया था आपको, वो उसकी वजह से था। एंड ये आता है हमारा नटिया धार, ये ग्राउंड चक्कर है, बट एक वैरायटी होती है इसमें कि ये 3 बार टोटली घूमता है। देख सकते हैं आप इसका फाउंडेशन कैसे बंधा हुआ है, एक एक से जुड़ा हुआ दूसरा और तीसरा, तो ये 3 बार घूमता है। तो ये एक तरह का व्हील है, आई मीन ग्राउंड चक्कर। तो हमारा अगला आइटम तो ये तब तो स्पार्कल्स है दोस्तों, जो मेरे को मतलब हमारे यहाँ बहुत बच्चे हैं, आई मीन मेरे मासी के बेटे एंड मेरे फूफी एंड ऑल, मामू एंड ऑल, तो मैं उनके लिए ये सब मंगवाया हूँ, बहुत सारे स्पार्कल्स। तो ये कलर स्पार्कल्स 15 सेंटीमीटर के 2 बॉक्सेस एंड 10 सेंटीमीटर के लगभग मैंने शायद 10 बॉक्सेस मंगवाए, जो कि मेरे को सस्ते में मिले थे शायद 105 समथिंग में, बताऊंगा बाद में आपको। एंड ये 10 सेंटीमीटर्स के इलेक्ट्रिक स्पार्कल्स, तो एक इलेक्ट्रिक हुए एंड एक कलर वाले हो गए। एंड अब आता है एक रेड, ये रेड बहुत अच्छे क्वालिटी के होते हैं। कॉक माना अच्छा क्वालिटी होता है, बट स्काई शॉट्स में कॉक को इतना अच्छा माना नहीं जाता, बट हाँ। तो ये रहे इलेक्ट्रिक स्पार्कल्स, तो देख सकते हो आप ज़्यादातर मेरे को स्पार्कल स्पार्कल से दिख रहे होंगे आपको। एंड इलेक्ट्रिक स्पार्कल्स जो इससे पहले 30 सेंटीमीटर्स के आपको दिखाया था मैं, वो चटर पटर वाले थे जो आवाज़ करते हैं, ये नॉर्मल प्लेन स्पार्कल्स होते हैं। एंड तो ये मेरा आखिरी आइटम है। तो इस बॉक्स को पूरा मैंने खाली कर दिया है, मे बी शायद मैंने इस बार फ्लोरल फाउंटेन्स ऑर्डर नहीं किए हुए हैं, तो ठीक से याद नहीं है मेरे को। फ्लोरल
फ्लोरट फोंडेंस भी एक तरह की चक्री होती है दोस्तों, जो अनार भी आता है एंड चक्री भी आती है। मे बी मेरे को पसंद नहीं आई लास्ट टाइम, इसीलिए मैंने उसको ऑर्डर नहीं किया। एंड फिर से आता है विजलिंग रॉकेट। तो ये विजलिंग रॉकेट एंड वो विजलिंग रॉकेट में आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। तो आप देख सकते हो इसकी साइज एंड इसकी साइज है ना, बहुत डिफरेंस। बट सीरियसली बोल रहा हूँ दोस्तों, ये वाली भी बहुत कमाल होती है, छोटी है बट दमदार है। ये बड़ी वाली मैं इस बार मंगवाया हूँ, इससे बड़ी वाली भी आती थी जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, वो बहुत बेकार थी एंड मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। विजिल ही था वो बट बहुत बेकार था, 250 कुछ था उसका। तो अभी के लिए ये है दोस्तों, तो आप आगे की वीडियोस अगर देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस बेल बटन को दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाए। मैं बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ दोस्तों अभी, एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर द वीडियो। थैंक्स।